नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। हम बात कर रहे हैं पहली बारिश के। इस बारिश में शासन के कई अधूरे कार्य की पोल खुलती नजर आ रही है। बड़नगर से खरसूद कला पहुंचने वाला मार्ग, इस मार्ग पर कहीं ग्रामीण जनों का आने जाने का रास्ता आम है और कहीं स्कूल की बस भी रास्ते पर ही निकलती है। भगवान ना चाहे कि किसी के साथ कोई भी अनहोनी ना हो। बड़नगर से खरसूद कला के बीच में जादला गांव पड़ता है। यह गांव की पुलिया कई दिनों से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस रास्ते पर कई प्रशासनिक अधिकारी और कई राजनीतिक दल के नेता भी आ निकलते हैं। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी ना किसी नेता को फर्क पड़ता है। पहली बारिश में सिर्फ आम जनों को ही फर्क पड़ रहा और पहली बारिश में कई समस्या का सामना करना पड़ रहा। जादला गांव के बीच पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण भ्रष्टाचार। अगर यह पुलिया सही तरीके से बनाई जाती है तो आज इस समय ग्रामीण जनों को इस समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। आज बारिश शुरू होते ही किसानों का बड़नगर शहर में आना जाना लग रहा है और इसी के बीच जादला गांव की पुलिया किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। किस तरह आमजन लोग टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां कितनी मुसीबत से निकाल रहे हैं। राजनीतिक नेताओं को सिर्फ जनता की मतदान लेने की ही फिक्र है पर जनता की समस्या की कोई भी फिक्र नहीं है। जब प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं को जनता की इतनी फिक्र होती है तो आज यह जादला गांव की पुलिया बारिश के पहले ही पूर्व करवा देती और इस पुलिया की समस्या को लेकर आम राहगीरों ने मीडिया के सामने जानकारी दी है। संवाददाता राधेश्याम सावरा की खास रिपोर्ट। ये रास्ता खराब हो गया ना, पुलिया तोड़ दी है, यहाँ पे काम चल रहा है इसका। पुलिया टूटी हुई है, उसके बाद में समस्या है कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई इसकी, सुनवाई नहीं होने उसके बाद में अब जो पानी आया अब सुनवाई हो रही है उसकी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है पानी के लिए। तो आप उधर नहीं जा सकते क्या? वो जाने का रास्ता ही नहीं है साहब भैया जी। अच्छा अच्छा, उधर रास्ता जाने का नहीं है, उधर से आने का रास्ता नहीं है। उसके बाद में जो इधर खरसो कला रावदिया मिंका इलाहदा जो जाने वाले सब लोग इधर उधर खड़े हैं, निकलने की बहुत ज़्यादा समस्या है। आपका क्या नाम है? प्रवीण सेठ अजरावदा। ठीक है।